भाइयों नमस्कार। ये आज का कार्यक्रम, चूंकि आप सभी लोग परंपरागत कृषि के अंतर्गत जो अलीगढ़ में क्लस्टर चयनित किए गए हैं उन गांवों से आए हैं, और परंपरागत कृषि का मतलब है कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, जैसे 50 साल 100 साल 70 साल पहले या और पहले हमारे पिताजी हमारे बाबा लोग जिस परंपरा को लेकर के खेती करते थे उस परंपरा को एडाप्ट करना। क्योंकि आधुनिक जो ये परंपरा है रसायन आधारित या मैकेनाइज परंपरा खेती में, उस परंपरा के कुछ दुष्परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, भूगर्भ जल नीचे चला गया, फसलों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई, भोजन में अब वो स्वाद नहीं रहा, हम लोग भोजन खा करके बीमार हो जा रहे हैं, पानी मेरा इतना पॉल्यूटेड हो गया कि हमको आरओ लगा के फिल्टर करना पड़ रहा है। ये इस रासायनिक खेती के कुछ दुष्परिणाम थे। तो 40-50 साल पहले किसान खेती में घाटा हो जाने की वजह से आत्महत्या नहीं करता था। आप सोशल मीडिया में अखबार में न्यूज़ में ऐसी कोई समाचार 40 साल पहले नहीं आता था कि साहब वो खेती में घाटा हो गया इसलिए किसान ने आत्महत्या कर ली। अब ऐसी खबरें बहुत हैं। तो कारण क्या है कि हमारी फसलों की लागत बहुत बढ़ गई। मतलब एक हेक्टेयर गेहूँ जब हम पैदा करते हैं तो 40 कुंटल होता है, 28-30 कुंटल के बराबर लागत चली जाती है। किसान को नीतियां चाहती हैं, कृषि नीतियां चाहती हैं कि किसान देश का खुशहाल बने और जो खाद्य पदार्थ पैदा हो रहे हैं वो अच्छे पैदा हों, तो इसलिए परंपरागत खेती का विचार सरकार के मन में आया। और पिछले कई सालों से प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ऐसे ही क्लस्टर बना करके ये परंपरागत खेती की जा रही है। इसकी सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों ने इस खेती को वास्तव में सीखा है या किसी लालच के लिए किया है। तो पूर्वज कह गए हैं लालच बुरी भला। लालच में नहीं फंसना, हमें अपनी खेती को समृद्धशाली बनाना है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है, प्राकृतिक संसाधन हमारे जो हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए यूं ही बरकरार बने रहें, और हमारा जो भोजन है वो बहुत साफ़ सुथरा बना रहे, हमारी खेती की जो लागत है वो थोड़ी सी कम हो जाए और हमारे जीवन में कुछ आनंद आए। तो जब हम अपने जीवन में आनंद की खुशियों की बात करते हैं तो हमारी संपूर्ण खुशियाँ प्रकृति और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो परंपरागत खेती में क्या मैंने बताया कि अभी रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से जो मैंने प्रकृति का परिवेश बिगाड़ा है जाने अनजाने, अब परंपरागत खेती के माध्यम से उस प्रकृति के परिवेश को ठीक करना है। क्योंकि जैसे ही मेरी धरती माँ मुस्कुराएगी तो मेरे चेहरे पर मुस्कान, मेरे यहाँ जलचर थलचर नपचर ये सब विचरण करेंगे, बढ़िया मुस्कुराएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे। तो पहले सेशन में क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई, यहाँ मैं इसलिए लाया हूँ कि वहाँ मैंने कहा कि यूरिया डीएपी पोटास इनसे धीरे धीरे दूरी बनानी है, कीटनाशक फफूंदनाशक नहीं डालने हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कीटनाशक फफूंदनाशक डाले बिना यूरिया डीएपी के डाले बिना खेती मेरी हो जाए। तो ये आपके सामने ये ड्रम रखे, ये हमारा जो राजकीय कृषि शोध प्रक्षेत्र है, ये मेरी सातवीं फसल बोई जाएगी इसी पद्धति से, और हमको एक हेक्टेयर में कभी 2 कुंटल बढ़ के मिला है, कभी 2 कुंटल 3 कुंटल घट के मिला है। लेकिन करना क्या है, देखिए एक हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, आगे की लाइन नहीं कहूँगा,
इस संसार में सब कुछ हमारे आसपास है। जैसे किसी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। तो हमारी खेती का जो विषय है, खेती की खुशियां हमारे खेत में, खलिहान में, गांव में बिखरी पड़ी हैं। अब आपके सामने जो ये ड्रम है, तो ये एक प्रकार से एक पालेकर जी हैं जो गौ आधारित खेती की बात करते हैं, उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट है मूल। उसमें हम तीन चीज़ें बनाते हैं, यूरिया डीएपी पोटाश की जगह, बीजामृत, घनजीवामृत और जीवामृत। अभी बनाने की विधि बता दूंगा। बीजामृत बना करके बीज शोधन करते हैं, घनजीवामृत बना करके जमीन को उपचारित करते हैं, और बीजामृत जीवामृत बना करके फसल का उपचार करते हैं। इससे हमें यूरिया डीएपी पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है कि कीट और बीमारियां, उसके लिए हम 10 पर्णी अर्क बनाते हैं, ठीक है ना। 10 पर्णी अर्क बना करके जब हम फसल में स्प्रे करते हैं तो कीट बीमारियों से वो हमें बचा लेता है। अब आपको बता रहा हूँ, एक ड्रम लेना है। इस जो जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सब लोग जमीन में कोराजिन डालते हैं, क्लोरोपाइरीफास डालते हैं, फ्यूराडान डालते हैं, थिमेटेंजी डालते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते। अब आप समझो, जब आप दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालते हो तो केंचुआ मरता है कि नहीं मरता? तो मारने किसको चले थे? मरा कौन? मारने चले थे माहू को, मर गई तितली। मारने चले थे इल्ली को, मर गई मधुमक्खी। तो हमने तितली, मधुमक्खी, चिड़िया, मेंढक, केंचुआ सब मार दिए जाने अनजाने। तो इस खेती में हम क्या कहते हैं कि हमको जब चिड़िया मर गई, दीमक मर गई, केंचुआ मर गया, तो सूक्ष्म जीव, स्थूल जगत की माया और सूक्ष्म जगत की माया। जैसे आप घर में दही जमाते हो तो दही कौन जमाता है? जामन। और जामन का मतलब बैक्टीरिया। सिरका, जब सिरका बनाते हो तो सिरका का मतलब बैक्टीरिया। जब जलेबी के लिए मैदा भिगो के रखते हो तो खमीर मतलब फंगस। तो सूक्ष्म जीवों के बिना दुनिया चलती नहीं है। तो हमारी ज़मीन में लाखों प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो ज़मीन की उर्वरता को ठीक बनाए रखते हैं। अभी पीछे क्या हुआ कि हम जाने अनजाने नाना प्रकार के रसायन जो ज़मीन में डालते रहे, उससे हमारे सूक्ष्म जीव खत्म हो गए। अब खेत में अगर आप गोबर डाल दें, कूड़ा डाल दें, पत्ती डाल दें, गेहूं का ठूंठ तना पत्ती कुछ छूट गया, भूसा पुआल वही छूट गया, उस सड़ेगा कैसे? तो आप जैसे लोग कह देते हैं ना, पुआल को वहीं खेत में रोटावेटर चला करके जोत दें, पलट दें, ये कर दें, ठीक है कर दो। पुआल से ह्यूमस नहीं बनेगा। जैसे दूध घर में हो, तुम कहो दही बनाएंगे, नहीं बना पाओगे, दही के लिए जामन चाहिए। ऐसे खेत में पुआल सड़ाओ, कुछ सड़ाओ, सड़ाने के लिए आपको सूक्ष्म जीव चाहिए। तो ये जो पालेकर जी का जो सिद्धांत है, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, ये क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन, यानी जो सूक्ष्म जीव मर गए हैं उनको एक बार फिर खेत में पहुंचा देना। बनता कैसे ये? एक ड्रम है 200 लीटर का, जैसे आपके सामने ये घनजीवामृत है हमारे लिए तैयार, और ये 3 हेक्टेयर खेत के लिए, एक ड्रम 1 हेक्टेयर जमीन, एक ड्रम में 1 हेक्टेयर ज़मीन। हमें ना यूरिया की ज़रूरत है, ना डीएपी की, ना पोटाश की। अब इसमें है क्या? घनजीवामृत में इसमें गाय का गोबर है 20 किलो, 10 किलो गाय का पेशाब है, 2 किलो इसमें चने का आटा है, 2 किलो गुड़ है, 0.5 किलो चूना है, 2 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है और पानी है। ये पालेकर जी के नुस्खे में है। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा ऐड करते हैं। फिर इसमें मैंने जो बरगद के पेड़ के फल गिरते हैं ना, वो डाले हैं झाड़ झाड़ के, ये तीनों ड्रमों में।
इसमें इतने बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, इतने बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं कि खेत में जो मर गए हैं जाने अनजाने वो सब हम पहुंचा देंगे। तो आप खेत में हमारे जो गेहूं के ठूंट या खरपतवार जो भी बायोमास था वो सब ये सड़ा देंगे। तो गेहूं खेत में जो आर्गेनिक कार्बन 3% हो गया, 0.3 1% होना चाहिए, 0.3 रह गया, वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर 10 क्विंटल भी हमारा बायोमास ह्यूमस में बदलेगा तो थोड़ा सा आर्गेनिक मैटर कार्बन उसमें बढ़ेगा, और जैसे ही आर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस बढ़ेगा वैसे ही फसलों को खुराक ज़्यादा मिलेगी, यूरिया डीएपी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये मित्र हमने अभी तो बनाया है केवल ये आपके सामने घन जीवामृत। बीजामृत हमने जब नर्सरी डाली है ना धान की, बीजामृत बना करके मैं उपयोग कर चुका। अब इसको जब धान लगाएंगे तो इसका प्रयोग मैं करूंगा, और जब ये प्रयोग कर लूंगा तो ये ड्रम मेरे खाली हो जाएंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे जीवामृत फसल उपचार के लिए। तो जीवामृत में क्या करेंगे, इसमें 180 लीटर पानी भर देंगे, मतलब यहाँ तक, और फिर इसमें 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे, 20 किलो गोबर डालेंगे, 2 किलो गुड़ डालेंगे, 2 किलो चने का आटा डालेंगे और चूना डालेंगे, और इसको डंडे से हिलाते रहेंगे। लिक्विड फार्म में होगा, ये सॉलिड है, इसको मुझे बिखेर के डालना है, आधा किलो 250 ग्राम। तो वो जो जीवामृत बनाएंगे वो लिक्विड फार्म में होगा, और उसको पानी के नाली के सहारे से बहा देना है, पूरे खेत में चला जाएगा। ये क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि अब यूरिया नहीं देना, डीएपी नहीं देना, पोटास नहीं देना, और इसके सहारे खेती करनी है, पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी, थोड़ी बहुत घटेगी। तो यहाँ हो क्या रहा है, ज़मीन में मेरे बायोमास कार्बनिक पदार्थ तो थे लेकिन उनको डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं था। इसके माध्यम से मैंने वो बैक्टीरिया सब पहुँचा दिए जो उस कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाएंगे, और वही फसलों का मुख्य हमारा भोजन है। तो ये तीन चीज़ें हैं, बीजामृत, घनजीवामृत और जीवामृत। अब आप कहेंगे साहब हमारी किसी फसल में कोई बीमारी आती है, कोई कीड़ा आता है, तो उसके लिए एक 10-पर्णी अर्क है पालेकर जी, 10-पर्णी अर्क, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसका एक सार बता देता हूँ। जब आपने जीवामृत भी डाल दिया खेत में, आपके पास ड्रम फिर खाली हो गया, ड्रम एक ही रखना है, ये ड्रम बार बार खाली होता रहेगा, दूसरी चीज़ बनती रहेगी। जब आपने जीवामृत भी सिंचाई के माध्यम से फेंक दिया, अब ये ड्रम खाली हो गया, तो अब हमें बनाना 10-पर्णी अर्क। तो 10-पर्णी अर्क में 10-पर्णी यानी 10 प्रकार के पत्ते, कोई ज़रूरी नहीं 10 प्रकार के पत्ते, आपके खेत खलिहान में हो सकता है 7 प्रकार के पत्ते मिलें। पत्तों में कौन से पत्ते, जिन पत्तों को पशु नहीं खाता, जैसे नीम, अंडी, करंज, अकौड़ा, धतूरा, बेसरम, ऐसे 5, 6, 7, 8 प्रकार के वो पत्ते जो आपके गांव में खेत में खलिहान में अवेलेबल हों, दो किलो पत्ते हर वनस्पति का, उसको खल मूसर से कुचल करके या कटिया मशीन से काट करके इसी ड्रम में डाल देना और इसमें पानी भर देना। अब इसमें फिर 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे, 20 किलो गोबर डालेंगे, गुड़ डालेंगे, और क्या डालेंगे, आधा किलो तम्बाकू डालेंगे खाने वाली, और 1 किलो लहसुन डालेंगे कुचल करके, और इसको सड़ने देंगे। ये इसमें बदबू आएगी, फर्मेंटेशन होगा, और जब आपको लगे कि हमारे खेत में अब 15 दिन बाद या 10 दिन बाद अमुक बीमारी आएगी, मतलब हर साल आती है, तो बीमारी आने के पहले ये ध्यान रखना, आपको आइडिया है कि अब ये बीमारी आएगी बस 5-10 दिन बाद, तो बीमारी आने के पहले आप इसको क्या करेंगे, इससे 20 लीटर आप कपड़े से छान लेंगे और
8 गुना पानी मिलाएंगे। 20 लीटर अगर ये छान लिया है तो 160 लीटर आप पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा गुड़ या निरमा पाउडर डालेंगे, चम्मच दो चम्मच, ताकि वो पत्तों में चिपक जाए, और इसका स्प्रे कर देंगे। तो इसका जो इसमें जो तीक्ष्ण वो इसमें इसका जो तेज था, उसकी वजह से फंगस नहीं लगता, उसकी वजह से कीड़ा भी पत्ती को नहीं खाता। दूसरा, ये जैसे ग्रोथ प्रमोटर डाले ना, वर्धक कभी कभी डालते हैं कि हमारी फसल खूब लहला उठे, तो ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो ये 10 पर्णी अर्क है। अब है क्या, इस खेती में थोड़ा सा अटहर है, मतलब अब आपको ताश खेलने में थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, जो ताश के फड़ में दो घंटा बैठते तो ना बैठना पड़े, बैठने को ना मिले, क्योंकि खेती में देखिए क्या है, धनी ना होवे पास तो खेती धन का नाश। हमें खेती में साथ साथ फसल में खेत में रहना है, देखना है, रखवाली करनी है, उसको लावारिस नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये जीवामृत बीजामृत पहले बनाएंगे, बीज शोधन करेंगे। उद्देश्य क्या है कि बीज जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा हो जाए, उसमें कोई रोग ना लगे। फिर घन जीवामृत बनाएंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे। उद्देश्य इतना है कि माइक्रोब्स खेत में पहुंच जाएं और जो बायोमास पड़ा है उसको डिकम्पोज करें। फिर जीवामृत बनाएंगे और फसलों में पानी के सारे छोड़ेंगे, फसल उपचार करेंगे। फिर हम 10 पर्णी अर्क बना लेंगे। एक और चीज़ परंपरागत खेती में, पहले हमारी परंपरा थी कि बुज़ुर्ग लोग जो है ना, अपनी मेड़ों को मरम्मत करते रहते थे, ताकि बरसात का पानी कहीं बाहर ना जाने पाए। तो हमें अपने खेत की मेड़ें मजबूत रखनी है, ताकि वर्षा का पानी रुके, क्योंकि वर्षा के पानी में नत्रजन, तो अगर जिस किसान ने पहले 3 पानी रोक लिए अपने खेत में, ये समझ लो उसकी यूरिया की डिमांड आधी अपने आप हो गई, और ये डाल दिया तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की भी डिमांड काफ़ी कम हो गई। तो हम धरती की उर्वरता को बढ़ा करके जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी जो मांग थी उसको हम कम करके, और उद्देश्य क्या है, ज़मीन को मजबूत बनाएंगे, पर्यावरण को मजबूत बनाएंगे, स्वस्थ भोजन खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानवता को जिंदा रखेंगे। किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बदरागी भाई, हो गया काम।